झांसी रक्सा थाना क्षेत्र के ग्राम सुजवाहा के रहने वाले संजीव परिहार अपने पालतू कुत्ते बिट्टू के देहांत के बाद उसकी याद में त्रियोदशी कार्यक्रम का आयोजन किया। संजीव ने पूरे विधि विधान से बिट्टू का अंतिम संस्कार किया था। उसकी अस्थियों को प्रयागराज स्थित संगम में विसर्जित किया। बीते 24 सितंबर को बिट्टू घर से कुछ दूर खेल रहा था, वहां उसे आवारा कुत्तों ने घेर लिया और उन आवारा कुत्तों के हमले में बिट्टू गंभीर रूप से घायल हो गया। कुछ दिन के इलाज के बाद उसका देहांत हो गया। ये सुनते ही पूरे घर में गम का माहौल छा गया। घर में 4 दिन तक भोजन नहीं बना। इसके बाद संजीव ने अपने पालतू बिट्टू की त्रयोदशी करने की प्रतिज्ञा ले ली। दरअसल 24 सितंबर को बिट्टू घर से कुछ दूर खेल रहा था और तभी आवारा कुत्तों ने उसको घेर करके हमला किया। आवारा कुत्तों के हमले में बिट्टू गंभीर रूप से घायल हो गया। कुछ दिन के इलाज के बाद उसका देहांत हो गया। ये सुनते ही पूरे घर में गम का माहौल छा गया। इसके बाद संजीव ने अपने पालतू बिट्टू की त्रयोदशी करने की प्रतिज्ञा ले ली। संजीव परिहार ने बताया कि बिट्टू उनके परिवार के सदस्य की तरह था। उसके देहांत से उन्हें गहरा सदमा पहुंचा था, लेकिन गांव के लोगों के समझाने पर उन्होंने बिट्टू का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ किया। प्रयागराज स्थित संगम में बिट्टू की अस्थियों का विसर्जन किया। गांव लौटकर त्रयोदशी कार्यक्रम में बिट्टू की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और 1000 से अधिक लोगों के लिए भोजन तैयार करवाया। गांव के लोगों ने भी त्रयोदशी कार्यक्रम में बड़ी संख्या में हिस्सा लिया और बिट्टू को श्रद्धांजलि दी। भाई साहब का मेरा संजीव कुमार परिहार का। अच्छा संजीव जी, आज आप क्या प्रोग्राम कर रहे हो और इस प्रोग्राम करने की वजह क्या है? मेरी ये एक बच्चा समान था, मेरा जो बिट्टू था बच्चा समान था और उसने मुझे कई बार बचाया, सांपों से ही बचाया। आज मैंने उसकी स्वर्गवास हो गया, खत्म हो चुके। इसके बाद अब मैं जो है उसकी इलाहाबाद भी गए, हमने फूल लेके गए। लेने के बाद फिर जैसा शुद्ध का होता है वैसा शुद्ध का दिन किया और बाकायदा फिर वही आज 13 ही कर रहे हैं। अच्छा, ये इसकी मौत कैसे हुई थी? इसकी मौत कुछ जानवरों ने जो है उसको अकेला पाके उसको मसल काट लिया था। हाँ। अच्छा, और इसका कोई साथी भी है क्या? हाँ, इसका साथी है, पाहिल है। उसकी वो क्या है, उसकी स्थिति क्या है? उसने जो खाना हमारे परिवार के नहीं खाया, 5 दिन हमारे यहाँ नहीं बना और आज भी वो खाना आज भी नहीं खाया है और काफ़ी दिन से नहीं खा रही। आप आज के बाद देखते हैं क्या होता है। कौन सा गांव है ये? सिजबहा। सिजबहा। अच्छा,